ये राम पुस्तक के लेखक हैं और काफ़ी काम किया है इन्होंने, इस पर काफ़ी मेहनत किया है और पुस्तक इस तरह से आई है। आज पुस्तक के ऊपर चर्चा भी काफ़ी हुई रजिस्ट्रेशन क्लब में। तो रेडियंस मीडिया से मैं अजीत कुमार और पल्लव घोष से बात करेंगे। बताइए डॉक्टर प्रवेश कुमार जी, कैसा रहा आपका लिखने का अनुभव, कैसे ये सोच आया? राम जी ने काम दे दिया, उसको मैंने कर दिया और तो कुछ नहीं है। मैं मेरे जैसा साधारण व्यक्ति राम जी को तो लिख नहीं सकता, पर राम जी ने आदेश किया होगा, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ऐसी घटना हुई होगी, दिव्य घटना हुई होगी जिसमें मुझे अवसर मिला और मैंने किया। ये किताब बेसिकली देश भर के जो अनुभव इकट्ठे हुए निधि समर्थन के, उनको एक संकलन किया और उसके साथ साथ कुछ कलम मैंने चला दिए जिसमें रामचरितमानस के, रामायण के या और तमाम जो हमारे ग्रंथ हैं उनके तमाम सारे श्लोकों को इसमें इस्तेमाल किया गया है, जोड़ा गया है, जिससे कि आपको लगेगा कि एक स्टोरी के रूप में उन अनुभवों को आपको पढ़ने का आनंद आए, है ना। ऐसे बहुत सारे आनंद है, बहुत सारे अनुभव होंगे, कभी महाराष्ट्र के, कभी कहाँ के, पर उसको बीच में कनेक्ट करने का काम मैंने जो है श्लोकों के माध्यम से या बहुत सारे फिलर डालने का काम मैंने किया है। पर राम जी ने दिया था उसको सेतु बंधन बहुत अच्छा सा उसको हुआ है। आप लोग पढ़ेंगे तो उनको बहुत आनंद होगा, आपको अच्छा लगेगा कि ये एक अच्छा विषय समाज के भीतर में जा रहा है, एक कनेक्ट करने वाला, एक फीलिंग को पैदा करने वाली ये पुस्तक। ये जो पूरे जो पुस्तक के पुस्तक की जो यात्रा रही इतने समय की रही और इतने समय में मतलब कुछ बदलाव भी आपने किया जो सोचा था पहले से या वैसे ही जैसा आपने सोचा था वैसे ही हुआ, और कुछ खास लोग जिनका जिनकी आप चर्चा अभी नहीं कर पाए, कुछ और लोग बचे रह गए थे बारे में, थोड़ा उनके बारे में बताएं। नहीं, इसमें जो मुझे काम मिला ये सुरेंद्र जैन जी ने मुझे काम दिया और उसके बाद विनायक राव जी और तमाम सभी जो पदाधिकारी थे सारे लोग लगे रहे और मुझे कहीं ना कहीं सामान जितना मटेरियल था वो भेजते रहे। मेरे साथी हैं राजीव जी ने मटेरियल इकट्ठा करके मुझे दिया, फिर लेखन का काम मैंने शुरू किया, उसको लिखना शुरू किया और उसको लिखा। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताऊँ कि जब लिखने के बाद मैंने किताब को पढ़ा तो मुझे लगा कि शायद मैंने लिखी है, क्योंकि जिस तरह हिंदी की भाषा को मैं लिख रहा था, क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस का आदमी हूँ, हिंदी की भाषा को लिख रहा था, इतनी मजबूत भाषा कहाँ से आ रही थी मुझे नहीं पता। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि कोई ईश्वर की कृति थी, ईश्वर की कहीं दिया हुआ था, तो उस तरह से वो सेतु के काम को मैंने किया और बड़े अच्छे से हो गया। आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि पॉलिटिकल साइंस का प्रोफेसर इस तरह की लिख सकता है क्या किताब। शायद आपको आपको ऐसा ऐसी अनुभूति हुई कि शायद सरस्वती नहीं आपके कलम में तो नहीं आनी है? नहीं, मैं तो राम का नाम हमेशा जपता रहता हूँ, बाबा नेम करोगी मैं भक्ति है मेरी, तो उस नाते से मैं राम का नाम जपता रहता हूँ। लेकिन राम जी ने शक्ति दी इसको करने के लिए, जो मुझे लगा राम जी ने शक्ति दी और मैंने किया। आप उसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि किस तरह से पूरे भारत को, केरला से, कर्नाटका से, तमिलनाडु से, जम्मू कश्मीर से, नॉर्थ ईस्ट से, हर एक प्रांत के अनुभवों को इकट्ठा किया गया और हर एक समाज, हर एक वर्ग के अनुभवों को इकट्ठा किया, चाहे किन्नर समाज हो, अधिकारी सब भिखारी समाज हो, चाहे वैश्यवृत्ति करने वाली महिलाएं हो, चाहे वो दलित हमारे वंचित समाज के लोग, जनजातीय समाज के लोग, चाहे वो धन्ना सेठ हो, चाहे वो बड़े पॉलिटिशियंस हो, सबको हमने इसमें शामिल किया है। अब देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, आप उसको जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा ये क्या हुआ। ये जिस तरह से राम के बारे में लोगों ने इतनी भ्रांतियाँ पैदा कर रखी थी, है ना, जैसा कि अरुण जी ने कहा ना, कहीं राम के बारे में लोगों ने कहा कि राम धन्ना सेठ नहीं, राम तो सबसे नीचे के व्यक्ति के, अभी भी गांवों के अंदर राम राम कह करके, सीताराम कह करके ही उद्बोधन होता है। ये हमारी संस्कृति है, यानी राम कौन, राम यानी कि संस्कृति, हमारी संस्कृति है, हमारे प्रतीक है। भारत को और राम को भिन्न किया ही नहीं जा सकता, ये इस किताब को पढ़ने के बाद आपको समझ आएगा। ये सबके राम की जो आपकी यात्रा रही और ये पुस्तक है सबके राम, ये सब तक कब तक पहुँचाने का आपका आपकी योजना है? अभी काफ़ी किताबें आई हुई थी और लोगों ने उसको खरीद लिया है, उसके अलावा एक सप्ताह के बाद ये अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर मिलेगी, लोग इसको खरीदेंगे। हमारा आंकलन नहीं, कम से कम पूरे देश भर में लाखों की कॉपियाँ बिकेंगी, क्योंकि तमाम लोग इसको पढ़ेंगे। जो अनुभव जो लगे हुए थे कार्यकर्ता, 10 लाख से अधिक कार्यकर्ता लगे हुए थे इस पूरे अभियान के, वो भी खरीदेंगे तो 10 लाख कॉपियाँ खरीदी जाएंगी। एक एक सवाल है हमारा, अमेजोन फ्लिपकार्ट तो ठीक है, मतलब ये तो ऑनलाइन है, बट क्या आपके देश के पुस्तक अमेजोन फ्लिपकार्ट का पैसा भी हम सब जानते हैं कि बाहर जाता है? नहीं, प्रभात प्रकाशन की किताब से आप खरीद सकते हैं, प्रभात प्रकाशन में मिलेगा और प्रभात प्रकाशन का अपने डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है, वो वहाँ पर करेंगे। हमारे यूनिवर्सिटीज़ की लाइब्रेरीज में इसको लगाएंगे। आज आप देखेंगे कि यहाँ पर दिल्ली विश्वविद्यालय और जेएनयू के तमाम प्रोफेसर आए थे, लगभग 70 से ऊपर प्रोफेसर यहाँ आए थे, वो यूनिवर्सिटी से पढ़ाते हैं, वो रिकमेंड करेंगे इसको, यूनिवर्सिटीज में पढ़ेंगे। जैसे मैंने अपने भाषण में कहा ना, राम राज्य को जानेंगे, राम राज्य यानी क्या,
को राम राज्य को समझने के लिए भी ये किताब पढ़नी जरूरी होगी, काम आएगी। मैं और कोई प्रश्न हमारा हमारे साथी पल्लव को आपसे पूछेंगे। आपने कहा कि आप पॉल साइंस के स्टूडेंट रहे हैं, पॉल साइंस से जुट मैंने पॉलिटिक्स से जुटा हुआ एक चुटकी हमने देखा है कि इससे मतलब पूर्व काफ़ी सारे सियासतदान जो भी आए हैं उन्होंने जिनको बदहजमी होती है राम के नाम से, चाहे सियासत मजबूरी हो चाहे जो 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 भी वजह रही हो, लेकिन उनको बदहजमी होती है राम के नाम से ही जुड़े होती है। इस बारे में आप क्या कहेंगे, क्या उनकी मजबूरी है, क्यों है? राम रामत्व है, राम संस्कृति है, राम अस्मिता है, राम ही तो आप और मुझ में है, यही राम है, यही राम है जिस राम के बारे में गांधी ने कहा, जिस राम को अम्बेडकर भी स्मरण कर रहे हैं, जिस राम के बारे में लोहिया भी बात कर रहे हैं, जिस राम के बारे में इस दुनिया के अंदर डिस्कोर्स एक पॉजिटिविटी है। उस राम से जो लोग अलग हुए आज कितनी सीटें हैं लोकसभा के अंदर राज्यसभा के अंदर, उनको आपको बताने की आवश्यकता। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रवेश कुमार जी, बहुत अच्छा लगा बात करके। अजीत कुमार और पल्लव घोष रेडियो की तरफ से।